हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे एफर्ट को अप्रिसिएट करेंगे और मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे मोटिवेट करेंगे ऐसे ही और वीडियो बनाने के लिए। तो ये जो क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये जन्माष्टमी की रात के 12 बजे के बाद की क्लिप है। ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया था, तो बस छोटी सी क्लिप थी जो मैंने सोचा ऐड कर दूँ कि कैसे मैंने उनका जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया है, क्या क्या किया था। तो बस ये छोटा सा वीडियो है। मैंने उनके उस दिन केक भी कट किया था लड्डू गोपाल जी के लिए, और ये सब उनका भोग तैयार किया था। तो बस ये वही छोटा सा वीडियो है। और अब जो आप वीडियो देखेंगे, ये कृष्ण जी की छठी का व्लॉग है, यानी कि जिस दिन छठी थी 24 तारीख को, उस दिन का व्लॉग है ये। तो मैं उस दिन कैसे मैंने उनका भोग तैयार किया है, कैसे छठी सेलिब्रेट की है, बस वही सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मक्खन निकाल रही हूँ। सभी को पता है कृष्ण जी को मक्खन बहुत ही पसंद है, तो आज उन्हें माखन मिश्री का भोग लगेगा। तो मैंने एक दिन पहले ताज़ा मलाई से मक्खन निकाला है। एक दिन पहले की मलाई है जिसे रात में मैंने जिसमें मैंने जावन डाल दिया था, सुबह फ्रिज में रख दिया, और देखिए कितने आराम से ठंडा पानी डाल के निकल आया। मैं ब्लेंडर से ही मक्खन निकालती हूँ, बहुत ही आराम से निकल आता है, बिल्कुल मेहनत नहीं लगती है। ये एक दिन की मलाई यानी कि 2 लीटर दूध से मक्खन इतना सारा निकल के आ गया, और छाछ भी मिल गई मुझे आधा गिलास। तो बस अब इसे मक्खन को मैं धो रही हूँ जिससे इसका सारा खट्टापन निकल जाए और एकदम सफ़ेद पानी आ जाएगा। जब तक इसे 2-3 पानी से मैंने इसे धो लिया है अच्छे से, मक्खन हमारा बन के तैयार हो गया है। अब हम भोग बनाने चलते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे कढ़ी। कढ़ी बनाने के लिए मैंने 3 चम्मच बेसन लिया है, जिसमें 3 चम्मच दही और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। अच्छे से ब्लेंडर से मिक्स करेंगे, मिक्सर से, इसमें कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। उसके बाद जो छाछ हमने तैयार करके अभी रखी थी वो भी डाल देंगे। दही हमारी ज़्यादा खट्टी नहीं है और छाछ तो बिल्कुल भी खट्टी नहीं है, तो आराम से इसे डाल दीजिए, बिल्कुल भी खट्टी नहीं होगी। ये कढ़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी। उसके बाद 1 गिलास भर के पानी डाल देंगे। अब 1 कटोरी में 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हींग डाल के इसका घोल बना लेंगे। और अब हम कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, उसमें मैंने डाला है जीरा, ओ सॉरी, राई और मेथी दाना, इसका तड़का लगाया है। 1 कटी हुई हरी मिर्च डाली, उसके बाद वो घोल मसाले का डाल दिया था, थोड़ा सा पकाया, उसके बाद बेसन का बैटर डाल दिया है। अब हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि दही या छाछ के फटने के चांसेस होते हैं। तो जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए हमें इसे पकाना है। तो देखिए बॉयल आ गया, कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है। अब इसमें हम नमक डाल देंगे, नमक भी हमेशा बाद में ही डालते हैं। अब हम इसे एक तरफ रख देंगे पकने के लिए, और इधर हम वापस से दूसरा पैन चढ़ाएंगे जिसमें घी डालेंगे और हम बनाएंगे सूजी का हलवा। तो मैं यहाँ पर सूजी डाल रही हूँ, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, चलाएँगे। मुझे थोड़ी सी सूजी कम लगी तो मैंने और सूजी ऐड कर ली है। और उसके बाद इसे धीमे आंच पे भूनेंगे। सूजी को हमें धीमी आंच पे भूनना है, और साथ के साथ हमें कढ़ी को बिल्कुल नहीं भूनना है, बीच बीच में उसे चलाते रहना है। और सूजी को तब तक भूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, पर इसे हमें तेज़ आंच बिल्कुल नहीं करनी, धीमी आंच पे भूनेंगे। तो देखिए कलर चेंज हो गया है सूजी का। अब हम इसमें पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। पानी ज़रूरत के हिसाब से ही डालेंगे, और पानी डालते ही सूजी तुरंत फूलने लग जाती है। देखिए किस तरह से तुरंत ये गाढ़ी होने लग गई, बहुत ही बिल्कुल भी टाइम नहीं लेती, फटाफट ये फूल जाती है। तो सूजी को हमने थोड़ी देर पका लिया है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी डालते ही चीनी मेल्ट होगी और थोड़ा सा हलवा वापस से लिक्विडी होगा। और अब इसे हम वापस से 5 से 10 मिनट और पकाएंगे। और इसमें आज मैं ज़्यादा कुछ ऐड नहीं कर रही, कोई ड्राई फ्रूट नहीं डाल रही, बस थोड़ा सा क्रश की हुई इलायची डालूंगी और डेसिकेटेड कोकोनट डालूंगी। बस इसे अब हाई फ्लेम पर थोड़ी देर से पका लेंगे। हलवा वैसे पक चुका है, अब बस लास्ट में इसमें मैं 1 चम्मच घी और डाल रही हूँ। घी से टेस्ट तो अच्छा आता है, ये शाइन भी अच्छा सा आ जाएगा। तो बस हलवा हमारा बिल्कुल भी बन के तैयार है। पैन को इसने छोड़ दिया, यही निशानी होती है कि हलवा अच्छे से बन गया है। तो अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे, देखिए कितना अच्छा बना है। और अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे दूसरे बर्तन में, और वापस से डेसिकेटेड कोकोनट से मैं गार्निश कर रही हूँ और इसे एक तरफ रख देंगे। अब चावल हम बना लेंगे। कढ़ी हमारी बन चुकी है, उसे मैंने ऑफ़ कर दिया था फ्लेम को, और चावल पानी पानी चढ़ा दिया चावल बनाने के लिए। वो जब तक उसमें बॉयल आता तब तक हम पकौड़ी का बैटर बना लेंगे। ये आलू की पकौड़ी का बैटर है, इसलिए इसमें मैंने थोड़ी सी सूजी भी ऐड की है। तो जब तक इसको रख देंगे रेस्ट करने के लिए, तब तक इसे सूजी अच्छे से फूल जाएगी। और पानी में बॉयल आ गया है, अब इसमें धुले हुए चावल डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, कवर कर देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे।
जब तक ये पक रहा है तब तक हम इसे दूसरा बैटर बना लेंगे जो कि हमें कढ़ी में डालनी है, जो पकौड़ी खाली बेसन की वो डाल रही हूँ। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं डाला, बस एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड की है, वो है मीठा सोडा, बिल्कुल चुटकी भर डाला है। चावल को वापस से चला देंगे और इसे दूसरी तरफ रख देंगे। अब हम पैन में तेल गरम करेंगे और कढ़ी में डालने वाली पकौड़ी जो बैटर बनाया था उससे हम छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना लेंगे। देखिए कितने अच्छे से बबल्स आए हैं। ये जब पकौड़ी कढ़ी में जाएगी ना तो ये रस अब्जॉर्ब कर लेगी और बहुत ही जूसी पकौड़ी होगी, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी। थोड़ी सी पकौड़ी मैं निकाल रही हूँ अलग से ऐसे ही भोग लगाने के लिए, बाकी जितनी पकौड़ियाँ उसे मैंने डायरेक्ट कढ़ी में डाल दूंगी। कढ़ी को वापस से मैंने कढ़ी का गैस ऑन कर दिया है, इसमें एक बॉयल आने का वेट करेंगे और उसके बाद अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए मैंने तड़का पैन में तेल गरम किया है और जैसे ही तेल गरम हो जाएगा तुरंत ऑफ कर देंगे, जिससे हमारी लाल मिर्च बिल्कुल भी जले ना। तो जैसे ही गैस तेल गरम हो गया इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे और आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च से कलर अच्छा आएगा और कड़ी पत्ता से टेस्ट बहुत अच्छा आता है कढ़ी में। तो बस इसे मिक्स कर देंगे तुरंत ही और कढ़ी हमारी अब बिल्कुल ही बनकर तैयार है। इसे रख देंगे एक तरफ और अब हम पकौड़ी बना लेंगे। तो आलू की पकौड़ी बना रही हूँ मैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा बैटर लास्ट में बच गया था तो मैंने दो हरी मिर्च भी डाल दी थी इसमें। पकौड़ियों को अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे दोनों तरफ से, इसे अच्छे से पका लेंगे। तो पकौड़ी हमारी बन गई है, अब इसे भी निकाल लेंगे। हमारा आधा काम लगभग बनकर हो गया है, तैयार हो गया खाना हमारा। अब बस सब्जी और पूरी बची है। तो सब्जी के लिए तेल गरम किया, उसमें थोड़े से मैंने खड़े मसाले डाले हैं और उसके बाद जीरा डाला है। जैसे जीरा तड़क जाएगा, एक हरी मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 3 मीडियम साइज के टमाटर बड़े बड़े काट के डाल दिए। उसके बाद मैंने इसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाला है, नमक डाला है। मसाले इसमें हमें अच्छे से डालने हैं तभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद पानी डाल के इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक सब्जी देख लेते हैं हमने क्या लिया है। तो मैंने कद्दू ली है, भिंडी ली है, परवल, आलू लिया है। आलू को मैंने छीला नहीं है, अच्छे से धो के बिन छिलके के साथ ही किया है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद सूखे हरा मटर और काला चना था जिसे मैंने रात भर भिगो दिया था और उसके बाद उसे बॉयल कर लिया था। अब देखिए सब्जी मसाले में हमारे तेल अलग हो गया है। हींग मैंने तड़के में डालना भूल गई थी तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, आप तड़के में ही डालना, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं। उसके बाद मैं सारी सब्जियाँ डाल दूंगी इसमें। सब सब्जियों को डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, सारी सब्जियां डालेंगे। बस यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे भिंडी नहीं डाल रही मैं यहाँ पे, क्योंकि भिंडी बहुत जल्दी पक जाती है और ये सब सब्जियों के साथ एकदम मैश हो जाती है, इसलिए मैंने इसे नहीं डाला है। मटर भी डाल दिए, चने भी डाल दिए हैं, अच्छे से मिक्स किया है। उसके बाद इसमें आधा गिलास पानी डाल के कवर करके इसे 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। तो 15 मिनट बाद सब्जियां देखें, अभी चला देते हैं एक बार इसे अच्छे से, अभी ये पकी नहीं है तो वापस इसे कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद हमारी सब्जी आधे से ज़्यादा पक गई है। अब हमने यहाँ पे भिंडी ऐड किया है तो अब वापस से 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 10 मिनट बाद सब्जी हमारी बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल ऐसा ही टेक्स्चर और कंसिस्टेंसी चाहिए हमें सब्जी की। सब्जी हमारी सारी पक चुकी है अच्छे से, ना ही कुछ ज़्यादा गला है ना ही कुछ कच्चा रहा है। तो बस सब्जी हमारी बनके तैयार है। थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड किया था जो कि मैं दिखाना भूल गई। और अब लास्ट में बची है पूड़ी, तो अब हम पूड़ियाँ तल लेंगे। बिल्कुल गर्मा गर्म तेल में पूड़ी डालेंगे और देखिए गर्मा गर्म तेल में डालते ही पूड़ी कैसे फूल जाती है। बहुत ही अच्छे से हमारी पूड़ी तैयार हो गई है। तो अब खाना हमारा बनकर तैयार है, भोग हमारा बनके तैयार है। अब हम चलते हैं कृष्ण जी को नहलाने के लिए। तो 1.25 लीटर कच्चा दूध लिया है मैंने और इसमें कहते हैं कि कृष्ण जी को आज 3 बार डुबकी लगानी होती है, तो कच्चे दूध का विशेष महत्व होता है आज के स्नान में इनको। तो बस इन्हें मैंने नहला दिया है दूध से और अब हम साफ पानी से इन्हें नहला देंगे और इसके बाद इन्हें अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो इन्हें मैं तैयार कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो देखिए कृष्ण जी को मैंने तैयार कर दिया। हमारे लड्डू गोपाल, बाल गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और इन्हें मैंने भोग भी लगा दिया है, कढ़ी चावल, पूड़ी, हलवा, सब्जी, पकौड़ी, सबका भोग लग गया है, माखन मिश्री सबका भोग लग चुका है, पूजा हो चुकी है। आज मैंने इन्हें काजल भी लगाया है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, इनको किसी की नज़र ना लगे, बहुत ही सुंदर हैं। और तो बस कुछ इसी तरह से मैंने मनाया है कृष्ण जी की छठी। आपने कैसे मनाई ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए।